राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास अपने वेंकटेश रूप में कहते हैं, वाह बड़ा लंबा समय हो गया, मटकी तोड़कर माखन नहीं खाया, आज अवसर मिला है तो अवश्य ही ये माखन मैं खाऊंगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं सभी से, चलो पुनः एक बार प्रयास करते हैं। और कहते हैं राजकुमार बासु के लिए, अब हमारे ये महाशय तो गिर गए, अब किसी को तो मटकी तोड़नी होगी ना। और कहते हैं मैं तोड़ता हूँ। और फिर तभी गांववासी कहते हैं तुम मटकी तोड़ोगे। और फिर श्रीनिवास वेंकटेश रूप में कहते हैं हाँ कोई संदेह। और तभी गांववासी अत्यंत हंस रहे होते हैं और कहते हैं एक कार्य देखने में जितना सरल लगता है करने में उतना ही कठिन है, गिर गए तो हड्डियां टूट जाएंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं किंतु गिरूंगा तब ना, और अगर गिरा ही नहीं। और कहते हैं क्या पता, मैं बड़ी सरलता से ऊपर पहुंच गया और माखन निकाल भी लिया तो। और कहते हैं वो क्या है ना, जीवन में मैं ये कार्य कई बार पहले ही कर चुका हूँ। और कहते हैं सभी से, चलो प्रयास तो करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, भाग्य की विडम्बना तो देखो गौरी, जो नारायण अपने कृष्ण अवतार की बाल लीलाओं में माता यशोदा द्वारा कठिन से कठिन स्थान पर रखी माखन की मटकी में से माखन चोरी करके खा लिया करते थे, आज उन्हीं नारायण के अन्य स्वरूप श्रीनिवास को सबको ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि वो माखन पाने के लिए सही हांडी की इस मटकी तक पहुँच कर उसे फोड़ सकते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती है सत्य कहा आपने महादेव, किंतु मुझे तो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब वेंकटेश मटकी फोड़ेंगे। श्रीनिवास को माखन मटकी फोड़ते हुए देखकर श्री कृष्ण की बालपन की वो पुरानी स्मृतियाँ स्मरण हो रही हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमार बासु कहता है जो मैं नहीं कर पाया वो ये वेंकटेश क्या करेगा, ये तो साधारण सा व्यापारी है, कैसे फोड़ेगा ये दही हांडी। और फिर आई कहती है कुमार करने दीजिए ना इसे भी प्रयास, हम सबका मनोरंजन हो जाएगा। और फिर कुमार बासु कहता है कहना क्या चाहती हैं आप। और फिर आई कहती है कहना नहीं दिखाना चाहती हूँ, आप बस प्रतीक्षा कीजिए आती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे वेंकटेश कहते हैं सभी से, ऊपर चढ़ने के लिए सभी को एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए बराबर ना, तो मुझे आप सब पर विश्वास है तो आप सबको भी मुझ पर विश्वास होना चाहिए, कार्य हो जाएगा। और फिर आई आ जाती है और कहती है अब ये इतना कह ही रहा है तो करने दो ना इसे प्रयास, क्या समस्या है। और बताती है आई अगर ये सही समय पर दूध और माखन लेकर ही नहीं आता तो ये उत्सव आरंभ ही नहीं हो पाता है ना। और फिर तभी गांववासी कहते हैं ठीक है आई आप कहती हैं तो हम इन्हें एक अवसर देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कुछ उमा को बताती है और फिर उमा आई के बताने पर वहाँ से चली जाती है और गोविंदराज भार्गवी के समक्ष ही खड़े हुए होते हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं मेरी भार्या मुझ पर विश्वास रखना कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। और फिर श्रीनिवास वेंकटेश देखते हैं मटकी और चढ़ते हैं ऊपर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं गौरी कि हमने नारायण के श्री कृष्ण अवतार की बाल लीलाओं में उन्हें माखन चोरी करके खाते हुए देखा और अब नारायण के ही एक अन्य रूप श्रीनिवास को मटकी फोड़कर माखन खाते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं सत्य कहा आपने महादेव, ये जन्माष्टमी का उत्सव तो अत्यंत विशेष है। और फिर श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में चढ़ रहे होते हैं ऊपर, तभी उन पर दूध फेंका जाता है और तभी कहती हैं आई क्षमा कीजिएगा किंतु ये भी एक प्रथा ही है, आपको इस पड़ाव के विषय में ज्ञात तो होगा ही ना। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं और फिर आई कहती हैं किंतु अगर आप अपना निर्णय बदलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और फिर वेंकटेश कहते हैं ठीक है मटकी तोड़कर माखन खाने का निर्णय लिया है तो सभी प्रथाओं का सम्मान तो करना ही होगा, आप अपनी प्रथा निभाइए मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। और फिर वेंकटेश चढ़ रहे होते हैं और भार्गवी को देख रहे होते हैं और स्मरण करते हैं मेरा प्रेम प्रत्येक जन्म में केवल तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाकर रहूंगा कि श्रीनिवास के रूप में भी मैंने तुमसे सच्चा प्रेम ही किया है। और फिर राजकुमारी पद्मावती देख रही होती हैं और कहती हैं अपनी सखियों से
इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें अवश्य ही कोई विशेष बात है। देखो वहाँ चढ़ना कितना कठिन है, किंतु फिर भी वो हार नहीं मान रहे। मुझे विश्वास है कि ये अवश्य ही मटकी फोड़ देंगे। और तभी सखियाँ कहती हैं, मटकी तोड़ना तो दूर, हमें नहीं लगता कि ये ऊपर तक भी पहुँच पाएगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मैं दावा करती हूँ कि ये मटकी अवश्य ही फोड़ेंगे। और फिर तभी श्रीनिवास मनन करते हैं, मैं प्रसन्न हूँ कि पद्मावती ने मुझ पर विश्वास दिखाया। किंतु श्रीनिवास के प्रेम और विश्वास का आधार वो तो केवल उसकी श्री है। भार्गवी, यदि तुम भी मुझ में विश्वास दिखाओगी तो मैं ऊपर पहुँच सकता हूँ मटकी तोड़ने के लिए। और तभी वेंकटेश ऊपर चढ़ रहे होते रुक जाते हैं और साथी कहते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? और फिर राजकुमार बासु उठता है और भार्गवी और गोविंदराज के समक्ष जाता है और कहता है, इतना सरल नहीं है ये कार्य। और गोविंदराज वेंकटेश की धर्मपत्नी बने हुए होते हैं और कहता है, आगे कुमार बासु, मैं एक राजकुमार हूँ, बहुत से अभ्यास किए हैं मैंने, जब मैं नहीं कर पाया तो ये वेंकटेश क्या करेगा, ये तो एक व्यापारी है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, मेरे पति व्यापारी होकर जो कार्य कर सकते हैं ना, वो बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर सकते। और कहते हैं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है। और भार्गवी से पूछते हैं, आपको क्या लगता है? और फिर भार्गवी कहती हैं, मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं, किसी पर विश्वास उन्हें जानकर नहीं अपितु उनके सच्चे मन और किसी को पाने की दृढ़ निश्चय से किया जाना चाहिए। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या ये मटकी फोड़ पाएंगे या नहीं? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, क्षमा कीजिएगा किंतु मुझे अभी जाना होगा। और फिर भार्गवी जा रही होती हैं और तभी श्रीनिवास वेंकटेश का भी पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं और भार्गवी को जाता हुआ देख रहे होते हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अचानक इनके पैर क्यों लड़खड़ाने लग गए, अब तक तो वो ठीक चढ़ रहे थे। और तभी राजकुमारी की सखियां कहती हैं, राजकुमारी लगता है कि अपना दाव हारने वाली हैं। और श्रीनिवास भार्गवी को जाते हुए देख रहे होते हैं और ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं किंतु चढ़ नहीं पा रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ महादेव कि क्या कारण है जो वेंकटेश अपना संतुलन खो रहे हैं। और फिर वेंकटेश स्मरण करके बताते हैं, कारण बहुत ही सरल है देवी पार्वती, जो आपसे प्रेम करता है यदि वही आपके साथ ना हो, यदि उसी का विश्वास आपके साथ ना हो, तो मनुष्य हो या ईश्वर, किसी का भी आत्मविश्वास जगमगाने लगता है। और फिर श्रीनिवास वेंकटेश नीचे के लिए गिर जाते हैं और चढ़ने का प्रयत्न कर रहे होते हैं और तभी भार्गवी को ज्ञात होता है कि वेंकटेश ऊपर चढ़ नहीं पा रहे होते हैं। और सभी गाँव वासियों का उत्साह देखती हैं भार्गवी और वेंकटेश के प्रति प्रेम। और फिर अपने नेत्र बंद करके देखती हैं तो उन्हें स्मरण होता है राधा श्री कृष्ण की मटकी फोड़ते हुए की छवि। और फिर भार्गवी भागती हुई जाती हैं, गोविंद राज के समक्ष खड़ी हो जाती हैं और देख रही होती हैं कि वेंकटेश चढ़ नहीं पा रहे होते हैं ऊपर। और फिर तभी राजकुमार बासु आ जाता है और कहता है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है भार्गवी कि तुम वापस आ गई। और कहता है राजकुमार बासु, प्रतीत होता है कि वेंकटेश गिरने वाला है, मैंने तो कहा था कि वो नहीं कर पाएगा। और फिर भार्गवी कहती हैं, वेंकटेश मटकी अवश्य फोड़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और फिर तभी समक्ष खड़े गोविंदराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं ये सुनकर। और वेंकटेश भार्गवी को देखते हैं पुनः और उनके मुख पे प्रसन्नता को देखकर वेंकटेश भी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अब जब तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है भार्गवी, तो अब ये मटकी मैं अवश्य फोड़ूंगा। और फिर वेंकटेश पुनः चढ़ जाते हैं ऊपर और मटकी के समक्ष होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, देखा गौरी, मैंने कहा था ना, मेरे आराध्य का प्रत्येक वचन अत्यंत बहुमूल्य होता है, उचित ही कहा था उन्होंने, यदि आपके जीवन में प्रेम है, सबके प्रेमी का साथ है, तो आप अपने जीवन में कुछ भी संभव कर सकते हैं। और कहते हैं महादेव, प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और यदि आपके जीवन में ये शक्ति नहीं है तो साधारण मनुष्य तो क्या, साक्षात नारायण भी अशक्त हो जाते हैं।
और फिर देवी पार्वती कहती है महादेव से, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ महादेव। भार्गवी का विश्वास पुनः पाकर वेंकटेश मटकी अवश्य ही फोड़ेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश ऊपर होते हैं और नारियल निकालते हैं मटकी फोड़ने के लिए, और तभी उनकी भार्या जो गोविंद राज बने हुए होते हैं कहते हैं, बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और वेंकटेश मटकी को फोड़ देते हैं। और चारों तरफ उत्सव का वातावरण होता है, सब धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और भार्गवी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं ये देखकर। और वेंकटेश मटकी फोड़कर दही माखन खा रहे होते हैं और श्रीनिवास भार्गवी को देख रहे होते हैं, और भार्गवी श्रीनिवास को देख रही होती हैं और प्रसन्न होते हैं, और इन दोनों को गोविंद राज देख रहे होते हैं और प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इन दोनों के मुख पर ये मुस्कान सदैव ही ऐसे ही बनाए रखना। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।